रख ना चरने च पाख लिया उधरों भी रुड़नी है। वाह मट्टी जो है ना कल परसों की यहाँ पे ये भिगो के रखी हुई थी, तो आज जो है ना अमीश ने अम्मी जी के कहने पे यहाँ पे तूरी डाली है इसके ऊपर। और ये मैडम देखे कहाँ पे सैरें कर रही है, पता नहीं आवारा है ये बिल्ली। तो पंजाबी में बोलते हैं जनाब इसे जो है ना ये मट्टी इसमें मिक्स करनी है, तूरी सारी जो है अच्छे से कानी करना बोलते हैं। अगर किसी को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। ऐसे जो है साथ साथ पानी का छींटा देते जाएंगे, साथ साथ पैरों के साथ जो है ना ये सारी मट्टी अंदर मिक्स करनी है। तो ये भी आमिश जो है ना करने लगे। हमजा तो बकरियां लेके गया हुआ है, कहानी बोलते हैं इनसे, कहानी करना कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ उम्मीद के साथ कि अब सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। वीडियो को स्किप नहीं करेगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। आमिश के दोस्त मेरे चैनल पे नया है तो फटाफट से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। खेतों का काम यानी कि लहसुन वाला काम आपको पता है 2 दिन में हमने खत्म कर लिया। अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है, अगर किसी ने नहीं देखी तो मेरी पिछली वीडियो जो है ना देख लें। 2 दिन जो है ना हम बाहर खेतों में लहसुन लगाते रहे हैं, तो वो वाला काम तो खत्म। अच्छा, वो काम खत्म करने के बाद जनाब अम्मी जी हमें नहीं बैठने देंगे फ्री। घर में भी जो है ना एक दो मोटा छोटा मोटा काम जो है ना शुरू कर लिया हमने। वो कौन सा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये कहानी जो रात को मैं दिखा रही थी, आमिश जो है ना कर रहा था तूरी वगैरह इसमें मिक्स, तो ये रात की जो है ना यहाँ पे हमने करके रखी हुई है। ये देख लें कितनी भरी है, ये अच्छे से मिक्स कर ली हुई है। अभी आ जाओ उस साइड पे आ जाओ। एक जो है थोड़ी सी यहाँ पे की थी मट्टी, वो मिक्स मट्टी और तूरी। ये जो है मट्टी यहाँ से उतारी थी तो फिर इधर रखी थी, तो मैंने कहा यहाँ से उठा के कहाँ उधर लेके जाने, इसे इधर ही बना दो। ये मैडम हमारी यहाँ पे लेटनियां मार रही है। वो गंदे बस्से एप्पल खा ली है, कुछ यहाँ पे जमा करके रख। नहीं खा ली है, खा लिया गंदे बस्से ने, खा लिया कुत्ते बच्चे ने। सेहन देखे कितना जो है हमारा यहाँ से रफ हो गया हुआ है। ऊपर वाला थोड़ा सही हुई है, लेकिन ये जो है ज्यादा रफ हो गया हुआ था। इतनी यहाँ से ऐसे मट्टी लग लग के जो है ना उस सेहन में जाती थी, वो वाला सेहन जो है हमारा थोड़ा पक्का है। तो ये वाला सेहन जो है ना ये कच्चा, ये काफी रफ हो गया हुआ था। तो ये मट्टी हम तैयार कर रहे हैं यहाँ सेहन में लगाने के लिए। हमारे मकानों की छतें जो है ना वो कच्ची है और सेहन भी जो है ना हमारा कच्चा ही है। जिस सेहन में हम ज्यादा रहते हैं ना छोटा, वो थोड़ा पक्का है, लेकिन बाकी जो है ना यहाँ से ये सारा ही कच्चा ही है। एक ये रूम है तो ये भी जो है ऊपर से कच्चा, यानी मतलब छतें जो है हमारे घर के सारे घर मकानों की जो है ना कच्ची हुई है। तो ये मट्टी जो है ना हम तकरीबन साल या 1.5 साल के बाद, जब छतें बारिशों की वजह से आपको पता है मानसून की बारिशों में जो है ना फिर ज्यादा बारिशें होती हैं, तो छतें जो है ना खराब हो जाती हैं और सेहन भी थोड़ा जो है खराब हो जाते हैं, मट्टी जो है ना धुल धुल के जो है ना बाहर चली जाती है। तो फिर जो है ना इस मौसम में छतों पे भी जो है ना मट्टी की लपाई की जाती है, मट्टी लगाई जाती है और जो है ना सेहन में भी। अभी तो जो है ना गांव में भी ये मतलब सिस्टम छतों पे मट्टी लगाना, सेहन में मट्टी लगाने वाला काम जो है ना काफी हद तक जो है ना कम होता जा रहा है, क्योंकि लोग अभी आपको पता है पक्के ही मकान बनाते हैं। लेकिन अभी हमारी घर, हमने नया घर नहीं बनाया, पुराना ही है, अब लोगों ने जो बनाया हुआ है, तो छतें जो है ना तब कच्ची ही हुआ करती थी, वही कच्ची हुई है, सेहन भी हमारा कच्चा ही है। तो काफी मतलब एरिया है जहाँ पे मतलब हमारे जो दीवार वगैरह थोड़ी पक्की पुकी है ना, मतलब सारा गरी कचरा होता है। मतलब अभी मट्टी वाला काम है, लेकिन इस साइड पे आपको पता है कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे जो है ना मतलब अब खत्म ही तकरीबन होता जा रहा है ये मट्टी वाला काम। तो अभी है तो जाहिर है घर में रहना है, तो उसकी जो है ना उसको साफ सुथरा रखना है, तैयारी वगैरह उसकी जो है ना अपनी तरफ से करनी चाहिए। बेशक मतलब कच्चा घर जिस तरह का भी हो, अगर साफ सुथरा हो, उसकी सफाई की हो, बना बनो के रखा हो, तो कच्चा घर भी जो है ना माशा से अच्छा ही लगता है। घर कच्चा हो या पक्का घर, तो फिर जाहिर घर ही होता है। आप जो है ना जल्दी मतलब हमें इस काबिल बनाएं कि हम भी जो है ना अपना नया घर बना सके, इंशाल्लाह जल्दी ही आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह पाक के फजल से। बाकी अरमान ने जो है ना अभी तंग कर रहा है बांदरी को यहाँ पे, ये बड़ा तंग करता रहता है इसे, देख ले। उसे जब गुस्सा आना है ना उसने एक ही थप्पड़ लगाना है आपके।
जैसे मैं अपनी पिछली वीडियो में बता रही थी, जब हम बाहर लहसुन लगा रहे थे, पहले दिन गए थे लहसुन लगाने के, अम्मी जी ने हमें शुरू से मतलब सिखाया हुआ है। छोटे होते ही अम्मी जी के साथ हम बाहर खेतों में जाते थे, लहसुन लगाते थे, लहसुन अरमान नीचे आ जाओ गिर जाओगे, तो हमें जो है ना अम्मी जी के साथ लगा लगा के वहां पे लगाना आ गया था। तो इसी तरह जैसे अम्मी जी मट्टी लगाते हैं, मट्टी लगानी नहीं आती, ये बात है कि है ये भी काम हम शुरू से आमिश से तकरीबन थोड़े छोटे छोटे 7-8 साल उम्र होगी तब से ही जो है ना, जाहिर है हर साल अम्मी लोग ये मट्टी लगाते हैं छतों पे, तो अम्मी लोग लगाते हैं साथ, हमने जो है ना उठा उठा के ला ला, देख लो गिरने लगे थे ना, मैं कह भी रही हूँ कि उठ जाओ आ जाओ इधर, शाबाश बड़ा अच्छा बच्चा, हम उठा उठा के ना देते हैं, फिर अम्मी जो अम्मी लोग लगाते हैं। लहसुन लगाना आ गया, वह शुरू से साथ काम करते हैं लहसुन लगाना, लेकिन मट्टी लगाना नहीं अभी तक आई, वो नहीं आती। हाँ पकड़ा पकड़ू सकते हैं लेकिन लगानी हमें नहीं आती, ये मतलब ये झूठ नहीं, वो नहीं हमें लगानी आती। सबसे पहले जो है ना इस छत पे लगानी है, इस कमरे में जो है ना हमने वो गंदम वगैरह रखी होती है, तो इसकी छत जो है थोड़ी खराब हो गई हुई थी, तो इस पे लगानी है सबसे पहले, अम्मी जी कह रहे थे। तो इसके ऊपर जाने के लिए कोई सिस्टम नहीं है, आपको पता नहीं मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूँ फिर उतार के देती हूँ, ठीक है। हाँ तो इसके ऊपर जाने के लिए कोई सिस्टम नहीं है, तो ये जो है सीढ़ी हमारी नहीं है, किसी की जो है ना लेके आए हैं, तो इसके ऊपर चढ़ के जाएंगे, मट्टी लगा के आएंगे। मट्टी तो तैयार करके रख दी हुई है, लेकिन अभी जो है ना अम्मी जी मेरे ख्याल में बाहर थोड़ा काम करने गए हैं, वो लहसुन तो हमने लगा दिया था, लेकिन थोड़े मैं बीज बता रही थी लगाने पालक धनिया, तो वो मेरे ख्याल में आलू भी मैं बता रही थी, मेरे ख्याल में हमजा शायद बना रहा हो बाहर वीडियो, तो वो मेरे ख्याल में लगाने गए हुए हैं। तो मुझे कह के गए थे कि ये सुबह की सीढ़ी ला के रखी हुई है, आमिश ने मुझे कह रहे थे छत के ऊपर जो है झाड़ू लगाना है, तो ऊपर गंद छंद पड़ा होगा, पहले झाड़ू लगा के पानी छिड़कना है, तो जब तक अम्मी जी ना आते मैं यहाँ पे जनाब जो है ना ऊपर जाके झाड़ू लगा आती हूँ। झाड़ू मैं ले आई हूँ, तो इस सीढ़ी के ऊपर जनाब चढ़ते हो थोड़ा डर ही लगता है, लेकिन चढ़ते हैं हम, हमारी अपनी तो नहीं है लेकिन जब जरूरत होती है ला के चढ़ना ही पड़ता है, तो अभी जो है ना चलते हैं छत पे। अल्लाह अकबर, मैंने जाना तो नहीं था झाड़ू लगाने, लेकिन मैं ऐसे वेली बैठी हुई थी, मैंने कहा ये ना जिससे दाबे पर जाए, मुझे कहना आज सुबह का काम करके तो वेली बैठी हुई है, तो मैंने कहा चलो जब तक वेले हैं, अम्मी जी नहीं आते तब तक जो है ना कर ही देते हैं, मैं डरते डरते जा रही हूँ ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह जी कामयाब हो गए ऊपर आने के लिए, इतना ऊपर भी नहीं मतलब छत पे आने के लिए जो है ना हम कामयाब हो गए हैं। ये रहा जनाब छत, देख लें थोड़ा कचरा वगैरह जो है ना ऊपर है, ये जो घास है इसको उखाड़ना है साफ करना है, तो ये अभी जो है मैं फटाफट से करने लगी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी तकरीबन कोई आधा घंटा लगा के ना सारी छत मैंने यहाँ से साफ कर दी है। अम्मी लोग अभी भी नहीं आए बारिश, मेरे ख्याल में उनका काम नहीं खत्म हुआ बारिश से, वही वो बीज लगा रहे थे, मैं तो आज गई नहीं थी, तो डर से ही जो है ना मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने आ गई हूँ छत पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी काम खत्म हो गया, बस झाड़ू लगाने वाला, यानी कि छत साफ करने वाला। जितनी भी यहाँ पे साइड पे घास उगी हुई थी ना, खुश्क हो गई हुई थी, वो सारी मैंने वो रंबे के साथ उखेर के साफ करके, मट्टी जो भी एक्स्ट्रा ऊपर आ गई थी वो रंबे के साथ उतार के बाहर फेंक के आई हूँ साथ वालों के छत के ऊपर। देखिए कितनी ज्यादा जो है ना यहाँ पे घास उगी हुई है। अभी जो है ना आमिश आया था, आमिश को मैंने बोला आप पानी लेके आओ ऊपर, जो है ना काफी ज्यादा पानी छिड़कने की जरूरत पड़नी है पहले मट्टी लगाने से पहले, तो आमिश जो है ना अभी मेरी हेल्प कर रहा है, पानी लेके आ रहा है, उधर जो है ना छिड़का आ रहा है। आमिश अपना मास्टर केज भी लंबवाना ही है, आमा तो मास्टर केज तो लेंटर पे आ, ये पक्का है उदा सिस्टम। सीढ़ियों के ऊपर आना आसान है, लेकिन सर पे फुल भर के दाबरा मट्टी का जब नीचे जाते हैं ना, मैं वो कूड़ा लेके गई हूँ, मट्टी ही ज्यादा थी यहाँ पे, तो सही बात है टांगे कांपे टांग रही थी, टांगे जो है ना फुल कांपना शुरू हो जाती हैं यहाँ पे। मेरे ख्याल में ये हमने सही से नहीं लगाई हुई इसलिए डर लग रहा है, वैसे इजिली ऊपर आ गई थी चली भी गई थी, लेकिन जब दाबरा उठा के मैं गई हूँ ना सही फुल डर लग रहा था।
आमिश के काम चेक करें, मंकी को खोल के ना छत पे लेके आ रहा है, वो बड़े मजे से चढ़ रही है ऊपर। टीटी पापा जो आए आए आजो आजो, ये चाय पिलिया आजो आजो, हाय हाय हाय। आमिश इधर घर उधर एक बार वेखी पत्ते किन्ने खुश हो खांदी है, ऊपर आने से डर रही है, फिर वापिस चली गई, लाइ गया 500 रुपये थे। टाइम हो गया जनाब पूरे 2 बजे का, छत साफ कर कुर के तकरीबन 10-15 मिनट जो है रेस्ट की है, उसके बाद जो है खाना खाया, दोपहर का खाना खाया, और अभी जो है अम्मी लोग भी आ गए हैं, तो मट्टी जो है ना अभी लेके जाने लगे हम छत पे। आमिश मुझे डाल डाल के देता है, तो एक वो चक्कर लगा के रख के आया ऊपर, एक दाबरा लेके गया था लेकिन उससे नहीं जाया गया, अभी मैं ट्राई करने लगी हूँ, और वो डाल के देता है, मैं जो है ऊपर लेके जाती हूँ। अहमद की मामा जो है ऊपर खड़े हैं छत पे, वो जो है आगे से दाबरे पकड़ते जाएंगे, और अम्मी जी बैठे हैं, अम्मी जी जो है ना लगाते जाएंगे। मैं जनाब सिर्फ 1-2 दाबरे का जो सीन बनाऊंगी, उसके बाद मोबाइल रखेंगे साइड पे, तो साथ साथ मुश्किल हो जाता है, काम भी करना, मोबाइल भी साथ साथ पकड़ना, और जो है ना मिट्टी भी लगनी हाथों को। 1-2 क्लिप बना लेते हैं, उसके बाद मोबाइल साइड पे, और फिर हमारा काम शुरू। तो अभी आपने देखना कैमरा भी सेट होगा, तो देखते हैं कैसे लेके ऊपर चढ़ते हैं। बस वो 2-3 ईंटे रख लिए नीचे ऊपर दाबरा, तो दाबरे में हल्का सा पानी का छींटा, कि मिट्टी जब डालेंगे ना दाबरे में, दाबरे के साथ जो है चिपकी ना रहे जब छत पे जाके निकालनी है इस तरह से। तो आमिश जरा ध्यान से मैंने उठाना है, बस ठीक है, इतनी इतनी काफी है बस। दाबरा शाबरा उठाने से पहले जो है ना, मिट्टी लगाने से पहले कपड़े शपड़े जो है हमने पुराने निकाल के पहन लिए, जूता शूता कपड़े शपड़े सारा कुछ पुराना पहन लिए, गंदे होंगे तो पुराने गंदे होंगे ना। अल्हम्दुलिल्लाह जी मट्टी जो है ना हमारी, ये देख लें सारी छत पे लगी हुई है, और अभी जो है ना जो मैंने कल दिखाया था सफाई करने से पहले, और अभी चेक कर ले माशाल्लाह से सही जो है ना साफ सफाई होके, तो माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है ये छत हमारा। बाकी जनाब ये छत आपको थोड़ी खुश्क नजर आ रही होगी, कल हम लगा रहे थे मट्टी, आज जो ना अगले दिन मैं आपको दिखा रही हूँ, वो भी पिछले टाइम जिस टाइम हम कल लगा रहे थे ना, अगले दिन मैं उसी टाइम जो है आपको आपको आके ये छत दिखा रही हूँ, क्योंकि कल मैंने कहा था कि काम करते करते जो है वीडियो नहीं बनी, थोड़ी सी मैंने बस बना दी थी, उसके बाद जनाब लगा लूँ कि ना यहाँ छत पे भी, और उसके बाद जो है ना सिहन में भी। तो फिर जो है ना मैं खाना बनाने चली गई थी, दाल कद्दू हमने बनाए थे, तो मुझे कह रहे थे अभी आप जो है ना फटाफट से खाना बनाओ, क्योंकि लेट भी हो गया था, ज़ाहिर हम पिछले टाइम ही लगे थे तो काफी जो है लेट हो गए थे। बाकी इन दोनों भाइयों ने मेरे सिरे चढ़ना है, ये पंगे उल्टे सीधे ले रहे हैं नीचे, चलो मैं 2 मिनट में आने लगी हूँ नीचे। अरमान अली और नीचे अहमद, उसका हाथ नीचे आ गया, पागल हो। बाकी जनाब ये काम देखने से तो कुछ लोगों को आसानी लगता होगा, लेकिन इतना आसान नहीं है, और इस सीढ़ी पे चढ़ के दाबरे भर भर के उठा के लेके जाना सही बात है, जब लेके जा रहे थे तब नहीं था इतना मुश्किल लग रहा है, था डर लग रहा था साधु, जब दाबरा सर पे उठाया वो पकड़ के ऊपर आना, तो रात को जब लेटे थे ना तब सही पता चला था कि हाँ आज हमने जो है ना अच्छा खासा काम किया हुआ है, हड्डी पसली कह लें कि एक हो गई हुई है, अभी तक थकावट नहीं उतरी। तो बाकी दूसरे छत पे लगानी है, तो सीढ़ियां दूसरी है, सीधा सीधा बस चढ़ना ही है, इस चढ़ना तो इस पे भी था, लेकिन जो है ना ये थोड़ा मतलब मुश्किल है इसके ऊपर ना, डर भी लगता है। तो बाकी चले काम तो भी हमारा खत्म नहीं हुआ, वो तो जितने दिन चलेगा जो जो हम करेंगे आपके साथ में शेयर करूंगी। तो बस ये थी मेरी आज की छोटी सी मजेदार सी वीडियो, लेकिन आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई भी गलती होगी तो माजरत दुआ में याद रखिएगा, सहनी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।